अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर हमने 12 स्टार्ट किया था, क्लास 10 की फ़िज़िक्स है हमारे पास। चैप्टर नंबर 12 के हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। 5 न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि एक इमेज है स्टैचू का जो कि बन रहा है बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। इतने सेंटीमीटर हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ। दूसरी क्या चीज़ गिवन है, फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या था हमारे पास, किसे शो करते हैं हम, क्यू से, और दूसरा फोकल लेंथ को एफ से शो करते हैं, स्मॉल एफ से। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, हमने क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी फाइंड करना है। सिंपल इसमें यूज़ हो रही है मिरर इक्वेशन, ठीक है, मिरर इक्वेशन फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें। 12.5 न्यूमेरिकल में बहुत आसान सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बिहाइंड द मिरर कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह से आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब 12.5 का हमने गिवन डाटा लिख लिया, इमेज का डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है, माइनस 11.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, एक चीज़ नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है क्यों, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर की 12.4 न्यूमेरिकल के आंसर में हमें पता चला था कि जब फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव साइन के साथ आया था तो हमें पता चला था कि वो कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि फोकल लेंथ जो है, एक मिनट, हम फोकल लेंथ क्या दी हुई है हमारे पास गिवन डाटा में, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 12.5 स्टैचू अपीयर्स टू बी, हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, हमें क्यों नहीं पी फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, ये हमारे पास पी होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी फाइंड करना है हमने। तो टू फाइंड में हमने, हमारे पास पी आ गया, तो गिवन क्या था हमारे पास, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव था, ठीक है। तो हमें पता है कि जो है हमारे पास ये, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्यू माइनस 11.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव आएगा यहाँ पे, फोकल लेंथ के साथ, ठीक है। तभी मैं कहूँ यहाँ पे जो है F के साथ नेगेटिव है, तो उधर मैंने साइंस की थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, गलती से लग गया था, ठीक है। तो अब इमेज डिस्टेंस जो है Q इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है Q, ठीक है। अब हमें नेगेटिव जो है हमें कैसे पता चला, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा था, तो फोकल लेंथ हमें पिछले न्यूमेरिकल से मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही थी, तो हमें पता चल गया था कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कन्वेक्स मिरर है, इसलिए मैंने फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव साइन डाले, ठीक है, ये रीज़न है। अब फाइंड क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला सिंपल क्या यूज़ होगा, मिरर इक्वेशन यूज़ होगी, वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, वन ओवर पी, तो वन ओवर पी को सेपरेट कर देंगे, तो वन ओवर क्यू को इधर ले आएंगे इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमने फार्मूले की बना ली शेप, ठीक है। तो अब फार्मूला बन गया है, अब एफ की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की पुट करेंगे। तो एफ की वैल्यू भी पुट की मैंने और क्यू की भी, ठीक है। अब दोनों चीज़ों के साथ नेगेटिव है, साइन असल में मैंने पहले ठीक डाले थे, ठीक है, एफ के साथ भी और क्यू के साथ भी नेगेटिव आना था, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव था। तो ये जो नेगेटिव है और ये इसका जो नेगेटिव था, माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो गए ये, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो अब फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी और जो क्यू है वो भी नेगेटिव था, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस जो था बिहाइंड द मिरर बन रहा था, इसलिए नेगेटिव था, और जो फोकल लेंथ है वो इसलिए नेगेटिव थी क्योंकि कन्वेक्स मिरर था। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का रीज़न ये है कि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, और फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की रीज़न भी हम लिख लेते हैं, ये इसकी रीज़न है और इसकी रीज़न ये है हमारे पास, बिकॉज इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर, ठीक है।
ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। लेंसेज के केस में डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर, ये दो रीज़न है। अब ये मैंने वैल्यू पुट की, एफ़ के साथ नेगेटिव है, क्यू के साथ भी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव साइन फार्मूला के ज़रिए आया था, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन चीज़ों को आपस में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके वन और पी ये आ गया हमारे पास, ये एलसीएम की वैल्यू टर्म है। तो कैलकुलेशन के बाद आप लोग क्या करोगे कि ऊपर आ जाएगा माइनस 155.25 / 25, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी क्या आ जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, 12.5 न्यूमेरिकल, 77.62, 12.5 न्यूमेरिकल आंसर तो चेंज आ रहा है हमारे पास।